नमस्कार दोस्तों, ज्ञान विस्तार क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। और दोस्तों, आज की इस क्लास में अपन पढ़ने वाले राजस्थान करंट अफेयर्स 2024 के महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को। और इस निःशुल्क अभ्यास सीरीज में अपन ने 13 वीडियो पहले कंप्लीट कर दिए और आज की 14 नंबर वीडियो क्लास रहने वाली है, जो सभी प्रतियोगी परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट है। तो जरूर से इस वीडियो को पूरा देखिएगा और अच्छी लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक करिएगा। सबसे पहले बात करें, यहाँ पर पहला क्वेश्चन है आज का, वन विभाग राजस्थान सरकार द्वारा प्रदेश का पहला वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर किन दो अभ्यारण्य के बीच बनाया गया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा सीटी के हिसाब से। तो यहाँ पर पहला वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर किन दो अभ्यारण्यों के मध्य बनाया जा रहा है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा है। तो आपका इसका आंसर रहेगा सेकंड नंबर वाला। दो नंबर आंसर सही रहेगा, रणथंबोर से सरिस्का के मध्य ये पहला वर्ल्ड लाइफ कॉरिडोर बनाया जा रहा है। और आपसे यदि इसकी लंबाई पूछ दे, इसकी लंबाई कितनी रहेगी, तो आपको बताना है 140 किलोमीटर। क्या बताएंगे आप, 140 किलोमीटर इसकी लंबाई रहने वाली है। तो ये भी चीज़ आप ध्यान रखिएगा, पहला वर्ल्ड लाइफ कॉरिडोर की लंबाई कितनी होगी, तो 140 किलोमीटर। फिर पूछ ले कहाँ पर है, तो रणथंबोर से सरिस्का दो अभ्यारण्य उनके मध्य ये बनाया जा रहा है, राइट। बढ़ते आगे, अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में राजस्थान के अंतर्गत नगर निगमों की संख्या कितनी है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और पिछली सीटी में भी पूछा गया था ये क्वेश्चन, ध्यान रखिएगा। लेकिन इस बार सीटी के एग्जाम में आ जाए तो आपको आंसर चेंज हो गया है, क्योंकि नई आपकी नगर निगमें भी बनी हैं। तो इसका अभी वर्तमान के हिसाब से जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा चार नंबर, 13 नगर निगम यहाँ पर राजस्थान के अंतर्गत वर्तमान में है। फिर आगे बात करें, यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि ऐसा भी क्वेश्चन बन सकता है आपके कि 2 सितंबर 2024 को कितनी नई नगर निगमें बनाई गई, ये क्वेश्चन भी आपसे सीधा सीधा सीईटी एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो आपको बताना है भीलवाड़ा और पाली दो नई नगर निगम अभी बनी हैं, भीलवाड़ा और पाली, और कब बनी है ये क्वेश्चन आ जाए यदि कि पाली और भीलवाड़ा को नगर निगम कब बनाया गया, तो आपको ध्यान रखना है 2 सितंबर 2024 को बनाया गया है। विशेष तौर से याद रखना है, ये चीज़ आपके लिए इम्पोर्टेंट रहने वाली है। दूसरा एक आपसे ये भी पूछ दे कि इससे पहले यानी कि वर्तमान से पहले, अभी जो ये दो नई नगर निगमें बनी है इससे पहले राजस्थान के अंतर्गत कितनी थी, तो 11 थी। और इससे पहले जो नवीनतम थी वो थी अलवर वाली, कौन सी थी, 11 नंबर पे अलवर वाली। और इसको नगर निगम बनाया गया था 1 अगस्त, कब बनाया गया था, 1 अगस्त 2023 को बनाया गया था, ये भी ध्यान रखना है। अलवर को कब बनाया गया था नगर निगम, 1 अगस्त 2023 को अलवर को 11 नंबर की नवीनतम नगर निगम बनी थी। और उसके बाद अब 2 सितंबर 2024 को राजस्थान के अंतर्गत दो नवीनतम नगर निगम बनाई गई, पाली और भीलवाड़ा को। तो ये क्वेश्चन सीधा आपके एग्जाम में छप सकता है सीटी के एग्जाम में, तो याद रखिएगा। आगे बात करते हैं, यहाँ पर राजस्थान का पहला सिंथेटिक एस्ट्रोटर्फ फुटबॉल मैदान कहाँ बनाया जा रहा है, तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रह सकता है आपके लिए। तो याद रखिएगा, जयपुर के अंतर्गत राजस्थान का पहला सिंथेटिक एस्ट्रोटर्फ फुटबॉल मैदान बनाया जा रहा है, ओके। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ, प्रदेश का पहला विश्वविद्यालय जहां अगले सत्र 24-25 से पीजी डिप्लोमा इन गांधी विचार व दर्शन का आरंभ किया जाएगा, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर के अंतर्गत पीजी डिप्लोमा इन गांधी विचार व दर्शन पर शुरू करने वाले हैं, तो ये चीज़ आपको याद रखनी है, राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर के अंतर्गत। उसके बाद है, किस तिथि को राजस्थान उच्च न्यायालय का 75वां स्थापना दिवस प्लेटिनम जुबली का शुभारंभ किया गया, तो यहाँ पर आपको पूछा है राजस्थान उच्च न्यायालय का 75वां स्थापना दिवस था, उसको प्लेटिनम जुबली के रूप में मनाया गया, तो इसका शुभारंभ कब किया गया, तो ये आपको ध्यान रखना है 14 अक्टूबर 2023 को इसका शुभारंभ किया गया था। और आपने सीईटी स्नातक स्तर के एग्जाम में देखा था कि करंट के क्वेश्चन कहाँ से आ रहे हैं, है ना, ये ऐसे मत सोचिए कि ये 2023 के क्वेश्चन में आपके सामने कैसे ला रहा हूँ, एक साल या डेढ़ साल के अंदर अंदर से वो करंट का क्वेश्चन कैसे बना देता है, ये याद रखिएगा एग्जामिनर।
ठीक है। तो एग्जामिनर कैसे भी क्वेश्चन बना सकते हैं, ये आपको चीज़ ध्यान रखनी है। फिर प्रदेश के सीमावर्ती एयरफोर्स स्टेशन उत्तरलाई बाड़मेर से किस लड़ाकू विमान की विदाई की गई है, यानी कि उस लड़ाकू विमान को सेवानिवृत्त कर दिया एक तरीके से, उसको हटा दिया वहाँ से, विदाई कर दी गई, तो उसका नाम है MiG-21। ठीक है, क्या नाम है? MiG-21 लड़ाकू विमान को उत्तरलाई बाड़मेर से विदाई जो है उसको दी गई है। और यहाँ पर MiG-21 की जगह पर कौन सा नया लड़ाकू विमान यहाँ पर स्थापित होगा, तो उसका नाम क्या है आपका? सुखोई 30 MKI। ये याद रखिएगा, सुखोई 30 MKI नया लड़ाकू विमान किसकी जगह लेगा? MiG-21 की जगह पर स्थापित किया जाएगा, याद रखिएगा। ये तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है और अच्छा क्वेश्चन बन सकता है आपके इसके हिसाब से। और आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि उत्तरलाई सीमावर्ती स्टेशन जो है उत्तरलाई, ये कहाँ, किस जिले के अंतर्गत? बाड़मेर के अंतर्गत है, याद रखना है ना। नेक्स्ट बात करें, देश के पहले रेलवे टेस्ट ट्रैक का निर्माण कहाँ किया जा रहा है, यानी कि जो रेलवे की टेस्ट ट्रैक है, जब अपन रेलगाड़ी नई बनाई जाती है या इंजन बनता है तो उसका एक टेस्ट ट्रायल किया जाता है, तो उसके लिए देश के पहले रेलवे टेस्ट ट्रैक का निर्माण कहाँ किया जा रहा है, ये आपसे क्वेश्चन किया है। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगाना। फर्स्ट ऑप्शन राइट है नावा जंक्शन जोधपुर के अंतर्गत पहले रेलवे टेस्ट ट्रैक का निर्माण किया जा रहा है। और आपको ध्यान रखना है ये कितनों किलोमीटर का होगा, तो आपको बताना है 60 किलोमीटर। कितना? 60 किलोमीटर इसकी लंबाई होगी देश के पहले रेलवे टेस्ट ट्रैक की। और नावा जंक्शन जोधपुर के पास में एक स्टेशन है, वहाँ पर ये बनाया जा रहा है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके सीटी के हिसाब से। फिर आगे बात करें, 2 अक्टूबर 2023 को प्रधानमंत्री मोदी ने राज्य के किस शहर में IIT के स्थायी कैंपस का उद्घाटन किया है, तो यहाँ पर IIIT का स्थायी कैंपस का उद्घाटन मोदी ने कहाँ पर किया था, तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कोटा के अंतर्गत ये स्थापित किया गया था। फिर अगला क्वेश्चन है, 27 सितंबर 2023 को इंदौर में आयोजित, कहाँ पर आयोजित हुआ था? इंदौर में आयोजित इंडिया स्मार्ट सिटी कॉन्क्लेव में, स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट परफॉर्मेंस में राजस्थान का कौन सा स्थान रहा था, तो आपको सीधा इसका आंसर बताना है, तो तीसरा स्थान कौन सा रहा था, तृतीय कह दो या तीसरा कह दो, एक ही बात है, तो तृतीय स्थान यहाँ पर राजस्थान का रहा था। अब इससे ही संबंधित एक और क्वेश्चन बनता है कि राजस्थान के किस शहर को नॉर्थ जोन कैटेगरी में पहला अवार्ड मिला है, कहाँ पर आयोजित किया गया था ये स्मार्ट सिटी कॉन्क्लेव? इंदौर में। और इस के अंतर्गत राजस्थान के किस शहर को नॉर्थ जोन कैटेगरी का पहला अवार्ड मिला था, तो ये आपको ध्यान रखना है, ये शहर है उदयपुर। कौन सा शहर है? उदयपुर को ये नॉर्थ जोन कैटेगरी का पहला अवार्ड मिला है, तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर बात करें, देखिए यहाँ पर यदि आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं राजस्थान के अंतर्गत, तो आप भी हमारे द्वारा चलाई गई संडे टेस्ट कंपटीशन में हिस्सा लेकर हर रविवार को 100 रुपये का नगद पुरस्कार इनाम जीत सकते हैं। और फिलहाल ये चल रही है अभी, और देखिए 2 संडे को यहाँ पर ये टेस्ट हो चुके हैं और इसके विनर रहे थे सबसे पहले जो अपने 6 तारीख को था उसमें तो रहे थे नरेंद्र जी, और यहाँ पर 13 अक्टूबर को जो टेस्ट हुआ था उसमें धर्मेंद्र जी यहाँ पर विनर रहे थे। तो आप भी इसको ज्वाइन कर सकते हैं और उसके लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, तो वहाँ से आप डायरेक्ट जो है एप्लीकेशन को डाउनलोड करें और यहाँ पर टेस्ट सीरीज जो अपनी कॉम्पिटिशन टेस्ट सीरीज चल रही है उसको भी डाउनलोड करके यहाँ पर ज्वाइन कर सकते हैं। और मात्र इसका रखा गया है 50 रुपये। कितना रखा गया है? 50 रुपये में आप इसको ज्वाइन करके हर रविवार को 100 रुपये जीतने का मौका प्राप्त करेंगे। तो देर किस बात की, अभी जाएं और ज्वाइन जरूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा इस प्रतियोगिता के बारे में अपने दोस्तों को भी जरूर बताएं। टू बी कंटिन्यू करते हैं अपनी वीडियो को। उसके बाद भीलवाड़ा का कौन सा क्षेत्र जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के सर्वे में लेड, जिंक और सिल्वर के खनिज अन्वेषण हेतु चर्चा में रहा? अब भीलवाड़ा का कौन सा क्षेत्र है ये पूछा आपसे, तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, देखिए किस लिए ये रहा था, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के सर्वे में लेड, जिंक और सिल्वर के खनिज अन्वेषण के लिए, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये था क्षेत्र था मानपुरा, कौन सा था?
मानपुरा क्षेत्र था, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद आगे बात करते हैं, प्रदेश का पहला शस्त्र म्यूजियम किस किले में बनाया जा रहा है, जिला नहीं कहा है, किला कहा है, याद रखिएगा। शस्त्र म्यूजियम किस किले में बनाया गया है, जिला नहीं बोला है, ये आप ध्यान रखें। तो किला हो जाएगा आपका बाला किला, अलवर के अंतर्गत प्रदेश का पहला शस्त्र म्यूजियम बनाया गया है। अब देखिए, आपको याद कराने का तरीका बताता हूं मैं कि शस्त्र का मतलब क्या होता है, आपके भाले तलवारें वगैरह जो भी रहते हैं तो उनको तो बोलते शस्त्र। तो भाला जो होता है कहाँ रख दिया, बाला किले में, भाला बाला, भाला बाला, ऐसे याद हो जाएगा। भाला क्या, एक शस्त्र है, और बाला किले में रख दिया, तो वहां पर क्या बना दिया, पहला शस्त्र म्यूजियम, यानी कि वहां पर भाला रख दिया बाला किले में। तो बाला किला कहाँ है, अलवर के अंतर्गत है, और अलवर के अंतर्गत एक भानगढ़ का किला भी है जिसे भूतों का किला कहा जाता है। उसके बाद बात करें, राजस्थान में आयोजित सीनियर नेशनल जूडो चैंपियनशिप में राजस्थान की मोनिका चौधरी ने कौन सा पदक जीता है, इंपॉर्टेंट है, मोनिका चौधरी ने कौन सा पदक जीता है, किसमें, सीनियर नेशनल जूडो चैंपियनशिप के अंतर्गत। तो आपको बताना है स्वर्ण पदक जीता है। और एक चीज आपसे ये भी पूछी जा सकती है कि राजस्थान में सीनियर नेशनल जूडो चैंपियनशिप कहाँ पर आयोजित की गई, या किस शहर या जिले में आयोजित हुई थी, तो आपको बताना है सीधा सीधा जयपुर के अंतर्गत ये आयोजित हुई थी। राजस्थान में कहाँ पर आयोजित की गई थी, जयपुर के अंतर्गत आयोजित की गई थी, और मोनिका चौधरी ने इसमें कौन सा पदक जीता है, स्वर्ण पदक जीता है, ये भी याद रखना है। बढ़ते आगे, नेक्स्ट, यहाँ पर अक्टूबर 2023 को राज्य सरकार द्वारा जारी की गई रिन्यूएबल एनर्जी की नई नीति कब की गई थी, नई नीति 2023 में, रिन्यूएबल एनर्जी की नई नीति 2023 के तहत आगामी 6 वर्षों में प्रदेश में कितने मेगावाट रिन्यूएबल एनर्जी का उत्पादन लक्ष्य रखा गया है। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सीधा आ जाए तो आपको बताना है 90,000 मेगावाट का लक्ष्य रखा गया है, तो याद रखिए। आगे बात करते हैं, 3 जनवरी 2023 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने प्रदेश के किस स्थान पर संविधान पार्क का लोकार्पण किया था, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर रहेगा राजभवन जयपुर के अंतर्गत संविधान पार्क का लोकार्पण किया गया था। और ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि संविधान पार्क कहाँ पर बनाया गया, तो आपको ध्यान रखना है राजभवन जयपुर में बनाया गया संविधान पार्क। फिर बात करें अगले क्वेश्चन की, सेकावटी महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया, तो सेकावटी महोत्सव का आयोजन आपका लक्ष्मणगढ़ सीकर के अंतर्गत किया गया था, याद रखिएगा। सेकावटी क्षेत्र में ही सेकावटी महोत्सव आयोजित किया जाएगा, तो आपको याद रखना है लक्ष्मणगढ़ सीकर के अंतर्गत किया गया था। फिर अगला क्वेश्चन लेते हैं, विश्व में अपनी तरह का अनूठा ऑक्सीजन सिटी पार्क कहाँ बनाया गया, तो अपनी तरह का पहला मतलब अनूठा ऑक्सीजन सिटी पार्क आपका कहाँ पर बनाया गया, कोटा के अंतर्गत बनाया गया है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट बात करें, अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस पर राजस्थान की किस प्रसिद्ध महिला को जेनेवो में ग्लोबल यूथ ह्यूमन राइट्स चैंपियनशिप अवार्ड प्रदान किया गया, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। उनका नाम है डॉक्टर कीर्ति भारती को, किसको किया गया है, डॉक्टर कीर्ति भारती को। फिर बात करें, 22 दिसंबर 2023 को राजस्थान लोक सेवा आयोग RPSC का स्थापना दिवस मनाया गया, कौन सा स्थापना दिवस था RPSC का, ये आपसे पूछा है कि, और आपसे भी ये भी क्वेश्चन है कि इसकी स्थापना कब हुई थी, पहले तो RPSC की स्थापना कब की गई थी, तो आपको ध्यान रखना है कि 22 दिसंबर 1949 को कब की गई थी, 1949 को RPSC की स्थापना की गई थी, ये आपको ध्यान रखना है कि 22 दिसंबर 1949 को RPSC की स्थापना की गई, और यहाँ पर 75वां इस बार जो है इसका स्थापना दिवस मनाया गया 2023 में, तो याद रखिएगा चीज़ें। फिर बात करें, आगे बढ़ते हैं, महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ गवर्नेंस एंड सोशल साइंस नामक संस्थान प्रदेश के किस जिले में खोला गया है, तो इसका आपका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा जयपुर के अंतर्गत महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ गवर्नेंस एंड सोशल साइंस नामक संस्थान
प्रदेश के अंतर्गत खोला गया है, तो याद रखिएगा जयपुर का नाम। उसके बाद आज का आपका जो होमवर्क का क्वेश्चन रहेगा वो रहेगा मानगढ़ धाम स्थित है, मानगढ़ धाम स्थित है, आपके चार ऑप्शन डूंगरपुर, उदयपुर, बांसवाड़ा, राजसमंद, तो किसके अंतर्गत मानगढ़ धाम स्थित है ये आपको इस वीडियो के कमेंट में कमेंट करके जरूर बताना इसका आंसर मेरे को। ये आपका होमवर्क का क्वेश्चन रहेगा। और दोस्तों एक बार फिर आपको बता देता हूँ कि हमारे द्वारा संडे टेस्ट कंपटीशन, हर संडे यहाँ पर आप 100 रुपये का नकद इनाम जीत सकते हैं और बहुत ही शानदार तरीके से यहाँ पर आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। यदि आप राजस्थान के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको डरने की कोई जरूरत नहीं, आप जरूर से इसमें हिस्सा लीजिएगा। और पूरी डिटेल के लिए आपके इसके डिस्क्रिप्शन में वीडियो मिल जाएगा, उस वीडियो से आप देख सकते हैं इसका सिलेबस क्या है और कहाँ से कैसे ज्वाइन करेंगे, वो सारी डिटेल वहाँ पर मिल जाएगी। और साथ ही यहाँ पर देखिए जो हमारे द्वारा अभी 2 संडे हो गए टेस्ट हो रहे हैं अपने संडे टेस्ट कॉम्पिटिशन, तो उसमें ये दोनों विजेता रहे हैं, तो ये भी आप देख सकते हैं। और यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब करें, आज की वीडियो कैसी लगी है वो भी ज़रूर बताएं, और मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।